एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं आज साइंस की क्विज की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। ए ऑडियोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी आमीटर, डी बैरोमीटर, ई क्रोनोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। एनीमोमीटर किसका यूज करते हैं, तो इसके द्वारा वायु की गति का मापन करते हैं। क्या करते हैं, तो इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर द्वारा। आमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो विद्युत धारा की करंट मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आमीटर का। किसकी धारा मापनी होती है, विद्युत धारा की। बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, बैरोमीटर का प्रयोग होता है वायु दाब मापने के लिए। क्रोनोमीटर को जल घड़ी की उपमा प्राप्त है, जलयानों में सही समय ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है क्रोनोमीटर का। तो याद रखिएगा, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, एनीमोमीटर वायु की गति, आमीटर विद्युत धारा, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, क्रोनोमीटर को जल घड़ी कहा जाता है, यह जलयानों में सही समय बताने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैंसर की जांच करने की विधि है। ए बायोप्सी, बी एलिसा टेस्ट, सी ट्यूबेक्टॉमी, डी ऑटोप्सी, ई एनालाइजर। तो इसका आंसर होगा, कैंसर की जांच करने की विधि क्या कहलाती है, तो कैंसर की जांच करने की विधि बायोप्सी कहलाती है। एलिसा टेस्ट की बात करें तो एड्स परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये रोग होता है, इसकी जांच एलिसा टेस्ट के माध्यम से होती है। ट्यूबेक्टॉमी की बात करें तो स्त्री की नसबंदी ट्यूबेक्टॉमी कहलाती है। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को कहा जाता है। ऑटोप्सी मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को कहते हैं। ऑटो एनालाइजर में ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाती है। किसकी किसकी, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच ऑटो एनालाइजर से की जाती है। तो कैंसर की जांच किससे की जाएगी, बायोप्सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलन का नियम किसने प्रतिपादित किया था। शीतलन का नियम किसने प्रतिपादित किया, न्यूटन, आर्कमिडीज, पास्कल, माइकल फैराडे, आइंस्टीन। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने प्रतिपादन किया था शीतलन के नियम को। किसने प्रतिपादित किया, न्यूटन ने प्रतिपादित किया। न्यूटन ने ही गति विषयक नियम प्रतिपादित किए हैं, न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। कौन कौन सी बातें, प्रमुख रूप से शीतलन का नियम, गति विषयक नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्कमिडीज की बात करें तो आर्कमिडीज ने प्लवन का सिद्धांत दिया है, तैरने का सिद्धांत या प्लवन का सिद्धांत बताया है। पास्कल, पास्कल ने दाब का मात्रक भी पास्कल होता है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इन्होंने, पास्कल ने दाब के नियम प्रतिपादित किए हैं। किसके नियम, दाब के नियम प्रतिपादित किए हैं। माइकल फैराडे ट्रांसफार्मर का जनक माना जाता है, ट्रांसफार्मर बनाया था। आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत और फोटॉन का सिद्धांत दिया है। प्रकाश को इन्होंने फोटॉन के कणों के रूप में बताया है कि प्रकाश फोटॉन के छोटे छोटे कणों के या बंडलों के रूप में पाया जाता है। तो आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है। कैरेट, फैदम, हर्ट्ज, जूल, डेसिबल। तो कैरेट से स्वर्ण या हीरे की शुद्धता का मापन किया जाता है। फैदम समुद्र की गहराई को मापता है। नॉटिकल मील समुद्र की दूरी को मापता है, जबकि फैदम समुद्र की गहराई को मापता है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। जूल कार्य का मात्रक है। डेसिबल ध्वनि का मात्रक है, साउंड का मात्रक है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार प्रमुख रूप से कौन सी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी के ताप में वृद्धि एक वैश्विक समस्या है, उसे ही ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। इसका प्रमुख
रूप से कार्बन डाइऑक्साइड सही है, मीथेन भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, सबकी सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं और प्रमुख रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। लेकिन इसमें हमें सर्वाधिक चुनना है, प्रायोरिटी देनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नंबर एक पर है, फिर मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफाइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, जीवाश्म ईंधन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन हैं। तो ये सारी की सारी ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है। तो आप इसे याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें उत्पादन तो चाइना करता है, इसके पश्चात अमेरिका करता है। हाल ही में भारत ने 40% कटौती हुई है कार्बन में उत्सर्जन में, किसके कारण? COVID-19 के संक्रमण के कारण। जीरो कार्बन वाला स्टेट भारत का हिमाचल प्रदेश है, आप ये भी याद रखिएगा। भूटान विश्व में जीरो कार्बन के लगभग नजदीक ही है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, विक्षुब्ध मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में पाई जाती है, पृथ्वी की छतरी भी से कहा जाता है, अम्ब्रेला ऑफ अर्थ। कारण यह है कि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेस का अवशोषण कर लेती है, जिससे जीवों को सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि ये ओजोन परत ना पाई जाए तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी, मनुष्यों या जीवों पर चर्म रोग, कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां उत्पन्न करेगी। तो इंपॉर्टेंट है किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, यह पृथ्वी से दूसरा मंडल है। विक्षुब्ध मंडल को क्षोभ मंडल, अधोमंडल, परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। यह धरातल से अधिकतम 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। बहिर्मंडल को सबसे अंत में पाया जाने वाला मंडल है, इसके पश्चात अंतरिक्ष मंडल का शुरुआत हो जाता है। तो याद रखिएगा, विक्षुब्ध मंडल मंडल में ही मौसम से संबंधित सारी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, बारिश, ये सब किस में होती है? तो विक्षुब्ध मंडल में ही होती हैं। अगला है, स्वदेश में निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ए तेजस, बी पिनाका, सी ब्रह्मोस, डी सागरिका, ई धनुष। स्वदेश में निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है तेजस, पिनाका, ब्रह्मोस, सागरिका और धनुष। तो इसका आंसर बी सही है, पिनाका जो है वो स्वदेश निर्मित है और मल्टी बैरल लॉन्चर है। तेजस की बात करें तो यह भी स्वदेश में निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान है, इंपॉर्टेंट है, स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस है। ब्रह्मोस की बात करें तो यह भारत एवं रूस द्वारा निर्मित सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, यह सतह से सतह में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, इंपॉर्टेंट है। अगला है सागरिका, ऑप्शन सागरिका की बात करें तो यह सब मैरिन लॉन्च बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों तरह के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। धनुष की बात करें तो धनुष पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक रूपांतरण है, यह सतह में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो याद रखिएगा, हल्का लड़ाकू विमान देश में निर्मित तेजस, मल्टी बैरल लॉन्चर स्वदेश में निर्मित पिनाका, रूस और भारत के द्वारा निर्मित ब्रह्मास्त्र, सागरिका, सागरिका की बात करें तो यह परंपरागत और परमाणु दोनों हथियारों को ले जाने में सक्षम है। धनुष आपका प्रक्षेपास्त्र है, सतह से सतह में मार करने वाला। तो अगला है, जंगली गधों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? दाचीगाम अभयारण्य, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, प्रमुख रूप से ये हिरण के लिए प्रसिद्ध है। मानस अभयारण्य आपका असम में स्थित है, काजीरंगा असम में स्थित है, और ये प्रमुख रूप से जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। दाचीगाम कश्मीर में है, ये हांगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा में भी पाए जाते हैं आपके ये, और आपके
ये कच्छ केरन में भी पाए जाते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, ऊपर वाले को छोड़कर। काजीरंगा, मानस, कच्छ केरन गुजरात में है, मानस काजीरंगा असम में है, ये तीनों जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला ऑप्शन है, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। कौन सी है? फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। सुक्रोज की बात करें, फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। यह प्रकृति में फल या शहद से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? फल या शहद से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे फ्रूट शुगर या फल शर्करा भी कहा जाता है। सुक्रोज गन्ने की शर्करा है, गन्ने और चुकंदर से जो शर्करा प्राप्त होती है उसे सुक्रोज कहा जाता है। ग्लूकोज ये अंगूरों, पके हुए अंगूरों से प्राप्त होता है। माल्टोज अंकुरित बीजों में पाई जाने वाली शर्करा है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो चमगादड़ उड़ने वाले पक्षी वर्ग में नहीं आता है, यह स्तनधारी वर्ग में आता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीएमाइड, पॉली स्टाइरिन, पॉलीएमाइड। तो बुलेट प्रूफ खिड़कियों बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक, फार्मिक, साइट्रिक, एस्टिक, बेंजोइक। तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, इसे फेरस ऑक्जलेट कहा जाता है। स्याही के धब्बे हटाने व नीली स्याही बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। कुछ मात्रा में यह यूरिन में भी पाया जाता है। मनुष्य के गुर्दे, किडनी या वृक्क में कैल्शियम ऑक्सलेट के जमा होने के कारण ही किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट ऑक्सलेट के जमा होने के कारण ही पथरी या स्टोन बन जाती है। क्या बन जाता है? पथरी या स्टोन बन जाता है। यह द्वि कार्बोक्सिक अम्ल होता है। प्रकृति में टमाटर, पालक, चने के पत्ते में ये पाया जाता है। चने में खट्टापन या टमाटर में खट्टेपन का कारण क्या है? तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल ही है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो यह खट्टे फलों, नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों के काटने में, लाल चींटियों में पाया जाता है, प्रमुख रूप से उसका प्रक्षेपण करती हैं। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण एवं औषधि निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, आंसू गैस के नाम से किसे जाना जाता है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बाइड। तो अमोनिया NH3 को आंसू गैस के रूप में जाना जाता है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रमुख रूप से पुलिस प्रयोग करती है। आंसू गैस के रूप में अमोनिया को जाना जाता है। एक्रोलिन को भी आंसू गैस के रूप में जाना जाता है। एस्टोफिनाल, एस्टोक्लोरोफिनाल, एक्रोलिन, अमोनिया, ये सब अश्रु गैस हैं। तो याद रखना। अगला प्रश्न है, C10 से प्रमुख रूप से किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। C10 से प्रमुख रूप से किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल, टारपीन का तेल। तो प्रमुख रूप से C10 से डीजल की गुणवत्ता मापी जाती है, जबकि ऑक्टेन संख्या से पेट्रोलियम की गुणवत्ता को मापा जाता है। याद रखिएगा, ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम, जबकि C10 से डीजल की गुणवत्ता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व भी हाइड्रोजन है।
यह सबसे पहले निर्मित होने वाला तत्व है, यह सबसे हल्का तत्व है, यह सबसे हल्की गैस भी है। तो ये सारे पॉइंट आप हाइड्रोजन से याद रखिएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल में 78% क्या पाया जाता है नाइट्रोजन। तो अगर पूछा जाए कि धरातल में या वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, इसके पश्चात कार्बन का नंबर है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और